हेलो एवरीवन। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या कल रात से ही वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक आज का हमारा यही रहने वाला है कि क्या कल रात से ही वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो टॉपिक ये रहेगा और कल रात की फीलिंग्स के साथ साथ हम देखेंगे कि क्या वो आज भी जो है आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता है। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ, मतलब कि कल रात से क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैं और टैरो कार्ड से पहले देखूंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और ब्रेसलेट की बुकिंग के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए आप सब। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। कल रात वो आपको मिस कर रहे थे या नहीं। ओके, ये ज्यादा कार्ड्स निकल के आ गए है ना, तो इसको मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे जो कार्ड है, और देखते हैं। सो फाइनल मैं लास्ट बार से फिल कर रही हूँ, उसमें जो कार्ड आया वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके okay? ठीक है, नहीं आया कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है ये बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं, इन और आउट, आना जाना इनका लगा रहता है आपकी लाइफ में। ठीक है, और इन और आउट करने की वजह से ये पर्सन भी परेशान रहते हैं, ये पर्सन भी खुश नहीं रहते हैं। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने आप को जज भी करते हैं कि क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंसान सोचेगा कि किसी की ज़िंदगी में इन और आउट करने से क्या होता है, कमिटमेंट तो दे नहीं रहे हो और बार बार इन और आउट कर रहे हो, जिससे आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको जो है ये पर्सन छोड़ के चले जा रहे हैं बीच में, रिश्तेदार में। कभी इनका मन जो है बदल जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है ना, कभी फैमिली प्रॉब्लम, तो कभी इनका मन, खुद ही ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं रहना चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए, वैसा फील हो जाता है इस पर्सन को। तो ऐसा थोड़ी होगा है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड है, टावर, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड है मेरे पास सेवन ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। प्रॉब्लम क्या दिख रही है, तो यहाँ दिख रहा है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में जो है ना, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है, यहीं पे स्टक हो गया है। ठीक है, यहीं पे स्टक हो गया है, जिसकी वजह से कल रात की फीलिंग्स आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा अफसोस करते हुए दिख रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अफसोस करते हुए दिख रही है, और ये पर्सन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए भी दिख रहे हैं आपके बारे में। और एक होता है ना कि जैसे कि रिग्रेट फील होना, ठीक है, तो ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन कल रात बहुत परेशान थे, कल रात जो है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे,
एट ऑफ सॉर्ड्स, टावर, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं कल रात आपको बहुत ज़्यादा दिल से मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा दिल से पर्सन याद करता है, तो वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है। यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन रो रहे थे कल रात। ठीक है, रो रहे थे, इस तरीके से इनको पेन हो रहा था, इस तरीके से तकलीफ़ हो रही थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी मुझे ऐसे फील करते हुए दिख रहे हो कि आप भी रोते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा ये पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप रखते हैं, इस रिलेशनशिप में आते हैं तो बड़े नखरे दिखाते हैं। बड़े नखरे दिखाने का मतलब यही है कि कभी ये आपको बोलते होंगे कि हाँ मुझे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, फिर बोलते होंगे कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, और अचानक से आपको ब्लॉक कर देते होंगे, अचानक से ये पर्सन चले जाते होंगे। ठीक, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे ये पर्सन ये भी बताते होंगे कि मैं अपने एक्स के पास जा रहा हूँ, या मुझे कोई और पर्सन मिल गया है तो उसके साथ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ऐसी भी बातें करते होंगे ये पर्सन, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो चुके हो इनके बिहेवियर की वजह से, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, कि आप टूटो ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही है कि कितना आदमी कंट्रोल करेगा, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हैं, और इस तकलीफ़ की वजह से आपके पर्सन भी भुगत रहे हैं अपनी तकलीफों, यानी कि इन्होंने खुद तकलीफ दी और भुगत भी खुद रहे हैं। आपको तकलीफ़ में देख करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। कल रात ये पर्सन किसी से आपके बारे में बातें करते हुए भी दिख रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से जो कि इनका फ्रेंड हो या आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो। ठीक है, ऐसे पर्सन से ये बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों एक साथ वर्किंग हो। ठीक है, एक ऑफिस में एक दूसरे के साथ काम करते हो, और इसी की वजह से यहाँ पे जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक, तो मुझे यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के, मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं देखो आप भी स्टक हो और आपके पर्सन भी स्टक है। ठीक है, दोनों ही स्टक सी एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है कि कल रात आपके पर्सन बार 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 आपके बारे में सोच रहे थे, और बार बार इनको तकलीफ़ फील हो रही थी क्योंकि इन्होंने आपको दर्द दिया है, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, इनकी वजह से आप हंसते नहीं हो, इनकी वजह से आप रोते ही रहते हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी एकदम से लगता है कि बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है, स्ट्रेस फील करते हो आप। ठीक, यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है, यहाँ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक होता है ना कि ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, जिन ब्लॉकेजेस को जो है ओपन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि हील करने की ज़रूरत है। यहाँ दिख रहा है कि आपके और आपके रिलेशनशिप में स्पेशली इनके फादर या मदर इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप और ये एक दूसरे के साथ रहो, आपका रिलेशनशिप इनके साथ कंटिन्यू हो। तो कहीं ना कहीं इनको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है आपके पार्टनर को। कल रात ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। देखो यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स, टावर, वो जो जिस तरीके से आप दोनों अलग हुए हो, ठीक है, काफी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था वो चीज़ें। ठीक है, जो भी आपके साथ हुए, जो भी आप दोनों के साथ हुई, ठीक, अनएक्सपेक्टेड चीजें रही हैं आपके साथ, और इसी की वजह से आपका कहते हैं ना कि दिल दहल जाता है जब भी वो याद आता है, वो लम्हा, वो पल याद आता है कि हम दोनों का सेपरेशन कैसे हुआ था, तो वाकई में लगता है कि जैसे कि दुनिया ख़त्म हो गई है ना। तो ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें, प्यार करते हैं तो क्या करें, ये पर्सन एक्शन भी तो नहीं लेते हैं, डिसीजन भी तो नहीं लेते हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम यही है, ये पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली का ही कोई मेंबर होगा या कोई फ्रेंड होगी, कोई सीरियस कनेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि जीएफ वीएफ का कुछ कनेक्शन उतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के, देखो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ये जानते हैं कि
इनका कर्मा जो है ना इनको सब करवा रहा है, यानी कि इनको अपने किए का फल मिल रहा है। कल रात इनको ये एहसास हो रहा था कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी मेरे साथ हुई हैं, ये मेरा कर्मा है और मेरे कर्मा की वजह से मुझे भोगना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हुआ है कि नहीं होना चाहिए ऐसा या नहीं करना चाहिए ऐसा। मुझे भी अब फील हो रहा है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ठीक, आपके पर्सन को ये फीलिंग्स थी कल रात की। ठीक है, आज की भी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आज की फीलिंग्स क्या रही हैं उनकी, आज क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ओ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज भी आपकी बहुत याद आ रही है। ओवरऑल एनर्जी जो है दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज भी आपको याद कर रहे हैं और आज भी ठीक उसी तरीके से आपको याद करते हैं जिस तरीके से पहले याद करते थे। ठीक है, यानी कि जो प्यार पहले भी था वो आज भी प्यार है, लेकिन यहाँ पे दूरी आ चुकी है, यहाँ पे कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का आई थिंक देखो दोनों ही इंतज़ार में थे, दोनों ही इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन जो है दोनों ही इंतज़ार करने के बाद से यहाँ पे क्या कनेक्शन को मिला, क्या मिला यहाँ पे, कुछ नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि बस इंतज़ार 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 ही चल रहा है, इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, आज भी बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन आज ये पर्सन इस तरीके से तकलीफ़ में हैं, इस तरीके से आपको मिस कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको होता है ना कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा शांत रह करके मिस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हाँ हमें तकलीफ़ हो रही है या हमें याद आ रही है तो हम अपने किसी फ्रेंड से बोले कि हाँ मुझे उसकी याद आ रही है, लेकिन इनका नहीं है, ये अपने आप में ही गुमसुम से बैठे हुए हैं, शांत से बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे ये पर्सन कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, यहाँ ये ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ की एनर्जी ऐसी मुझे नज़र आ रही है। ठीक, ये पर्सन को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि ये पर्सन क्या करे, क्या डिसीजन ले या क्या कुछ जो है ये आज करे जिससे आपकी और इनकी बातें हों। ठीक है, ऐसे ये पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है आपके लिए, बट ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या लूँ, क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ कि मुझे मेरे पर्सन से बात भी हो जाए, मुझे मेरा पर्सन मुझे मेरे पर्सन के साथ कनेक्शन भी हो जाए और हम दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में भी थिंकिंग रखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि इनका इनकी एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के जो है यहाँ आपको लेकर के ऐसी फीलिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा इनको और यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, और पेशेंस रख करके जो है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक होता है ना कि
सब्र का फल मीठा होता है, तो वही है कि सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मैं सब्र करता हूँ, मेरा पर्सन मुझे ज़रूर बात करेगा या फिर मुझसे ज़रूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यादें आ रहे हैं, यादें आपकी सता रही हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो है पहले स्टेप लो, ठीक है, पहला एक्शन जो है आप लो। और यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं, देखो आपको आपकी पिक वगैरह भी देख रहे हैं ये पर्सन, आज आज आपकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की रीडिंग के अनुसार से मुझे यही नज़र आ रहा है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।